कोंडा यानी राइस पॉलिश, जो राइस को पॉलिश करके पाउडर जो निकलता है वो राइस पॉलिश कोंडा उसी को बोलते हैं। घास में भी चिपक जाता है कोंडा नीचे भी जाके, तो वो चाटती रहती है मछलियाँ यहाँ पे, ऐसा हिलता है तो मालूम पड़ जाता है अपने को यहाँ पे मछली आ चुकी है। बस कुछ देर में और बिंदास होके वहीं पे रहेगी। दोस्तों मैंने रहता कि तलाश करना सबसे पहले रॉक को, देखो अभी इधर आया ढूंढते ढूंढते तो चढ़ते हुए दिखा मुझे। पिछले बार उधर बैठा था तो देखो बहुत सारे शिकारी वो पट्टे में, अपने को अलग जगह बनाना है अलग नया इलाका, तो सबसे पहले चाल देखनी पड़ेगी रॉक की। अभी के टाइम में ज्यादातर मछलियां घासों में रहती है, किस तरह के घास हिलाते हुए दिखेगी आपको, वैसे घास के पास ही जो भी मिलेंगे अभी घास के पास ही मिलेगा, तो अपने को आइडिया लगाना पड़ेगा किस तरह से पकड़ सकते हैं, क्योंकि नया जगह है और नया जगह बनाना पड़ेगा। ये देखो वो घासों में है, तो वेरीफाई कैसे करें जगह, इस तरह से घास को चाटते हुए दिखेगी आपको मछली, ये देखो हिला रही है इस तरह से। जिधर भी जाए आप है ना झड़ी मार लो किस इलाके में मछली ज्यादा घूम रही है, तो वैसा एक अच्छा सा इलाका आप ढूंढो और वहाँ पे चराई करो, सबसे पहले मछलियों को जमा करो। तो ये भी अपने पास ये पूरा पॉइंट है इधर का और उधर का, अभी सबसे बेहतर जगह कौन सा रहेगा वो देखना है अपने। पूरी घासों में मछलियाँ, लेकिन कैसा है लोग जहाँ पे शिकार करते हुए देखते ना वहाँ पे टूट पड़ते। अब मैं कभी भीड़ में नहीं घुसता हूँ, कभी भी नहीं, मैं अपना अलग इलाका बनाता हूँ। ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा इसलिए कि उधर से घास से चढ़ते चढ़ती आएगी मछली, इधर से गुजरेगी और ये पॉइंट से भी अगर निकलेगी इधर से तो इस तरह से निकलेगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चराई कर देता हूँ इस जगह पे। और थोड़ा सा हट जाना पड़ेगा यहाँ कुछ देर, थोड़ा सा कोंडा मार के और आके बैठना पड़ेगा, क्योंकि कम पानी किनारे पे मछलियाँ थोड़ी डरती है। चलो काफी चराई हो गई, आधा घंटा छोड़ देता, आधा घंटा में देखो मछलियाँ कैसी जमा होती है, घास हिला रही है, थोड़ा सा चराई यहाँ मार के रख देता हूँ गहरा जगह देख के। ये देखो गई मछली, यहाँ पे मारते घासों के बीच में, घास के पास गिरते रहेगा और घास में भी चिपक जाता है कोंडा नीचे भी जाके, तो वो चाटती रहती है मछलियाँ यहाँ पे, कितना जमा हो जाएगी मछली, जमा हो जाएगी अपनी धुन में लग जाएगी मछली। बेट बनाने के लिए क्लियर दिख रहा है, ये मेन क्या रहता है बैट, बैट पूछते बैट, ऐसा नहीं कि बैट आया किधर भी डाल दिया, ऐसा नहीं रहता, ढूंढना पड़ता जगह। अभी देखो ना पहले जाके पूरा वेरीफाई किया जाए, नहीं तो सबर होता नहीं, आते से बस बैठो, ऐसा हाल रहता है। ये मुठी आटा, ये मुठी कोंडा, ये 10 रुपये वाला बिस्किट आधा, यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डाल के लाया था मैंने कलर होने के लिए, हल्का पीलापन दिखेगा ना। इतनी प्यारी सुगंध चलती है मिट्टी डालने से, रोहू का देखा जाए तो उसको शिकार बहुत आसान है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ता है। ये मैं रहता समझता, मैं क्या बचपन से शिकार कर रहा हूँ तो आइडिया है मुझे, रोहू फिश का शिकारी बनने के लिए बहुत ही अनुभव की जरूरत पड़ती है। पहले बारीक बारीक मछलियाँ पकड़ेंगे तो उसकी चाल मालूम पड़ेगा कि बारीक कैसे खाती है और रोहू कैसे खाती है, क्योंकि जहाँ भी रोहू के लिए बैठेंगे अपन शिकार करने के लिए वहाँ पे बारीक मछलियों का तलाश रहेगा, यानी छोटी मछलियाँ बहुत परेशान करेगी, उसके बीच में अपने को पहचानना रहता है कि रोहू कैसे खाती है। रोहू का फ्लोट का मैं बताऊंगा पूरा क्लियर की किस तरह से रोहू खाती है, मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा वीडियो जो आता है रोहू का, वो सबसे ज्यादा वही तरीके पूछते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ तरीका मैं बताऊँ जो आपको आसान रहे। तो इस तरह से बैट बन चुका है अपना, झब्बू का अगर रहेगा तो इससे नरम बनाना पड़ेगा, और फ्लोट फिशिंग के लिए ये इतना कड़क ठीक है, क्योंकि अपन जब घाव मारते हैं ना तो फोर्स पड़ता है, तो हुक बाहर निकल कर मछली के मुँह में धंस जाता है। कोंडा देखो ऊपर घूम रहा है, तो सारी मछलियाँ ऊपर आ चुकी है, मछली आने की निशानी ये है, एक तो बारीक बारीक बुरबुंडे आएगा, नहीं तो फिर देखो अभी कैसे घास हिला रही है, जो राइस को पॉलिश करके पाउडर जो निकलता है वो राइस पॉलिश कोंडा उसी को बोलते हैं, घासों में जाके चिपक जाती है, जब वो चाटती है घासों की तो फिर वो ऐसा हिलता है, तो मालूम पड़ जाता है अपने को यहाँ पे मछली आ चुकी है। बस कुछ देर में और बिंदास होके वहीं पे रहेगी, क्योंकि डर डर के वो भी घूमती है, नया नया जगह है। कोंडा देखो ऊपर घूम रहा है, तो सारी मछलियाँ ऊपर आ चुकी है। दोस्तों 9 फीट के रॉड में ये योलो का बीजी 4th ओजन मोनोलाइन भर के खेल रहा हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल है। रोहू खेलने के लिए तो मेरे ख्याल से यही खेलना चाहिए जो फ्लोट से खेलेंगे, छोटा हाथ में दर्द ना हो और थोड़ा लंबा होना घास के लिए, ताकि ऐसा दूर से अपन खेल सके। तो डेडली हैंड का 9 फीट का रॉड है अपना, ये योलो 4th ओजन जो अपने गैलेक्सी में अवेलेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट आज मैं जो लेके आया हूँ ये है अपना गाँव से लाया हूँ ये हुक, रोहू के लिए एकदम स्पेशल, बाइट दूर रहेगी, मुँह आराम से यहाँ लगा के खा सकती है।
तो ये आज इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। ये अगर पॉसिबल होगा तो मैं गैलेक्सी में जरूर अवेलेबल करवाऊंगा। मेरा कोशिश ये रहेगा, मैं अब मेरा वीडियो ज़्यादातर यही रहेगा कि आप लोग को बताना, क्योंकि ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं। मैं इतने सालों से देखा, सबसे ज़्यादा सवाल ही रहते हैं। इसको मोनोलाइन में खेलेंगे, धागा दिखेगा ना तो रोह डरती नहीं, रोह बहुत होशियार जाती है। और देखो मछलियाँ कितनी जमा हो गई वहाँ घास खिला रही, जो क्योंकि यहाँ पहले चराई के रहते तो यहाँ कैसा है, यहाँ मछलियाँ डर रही अपने को देख के। तो प्लान भी है, वो दो जगह कम से कम ऐसा वेरीफाई करके रखो। बस इसको बांध लेते हैं जल्दी से डबल फास्ट। देखिए यहाँ तो कैसे भी बांध सकते हैं दोस्तों, गाढ़ तो सबको आती है। तो इसको यहाँ बांध लेते हैं और वेट थोड़ा सा देंगे फ्लोट के हिसाब से। रोहू का खेलेंगे तो फ्लोट खड़ा ही रखना पड़ेगा आपको वेट लगा के, तब उसकी खाने की जो बैलेंस रहती है वो पता चलेगा। मुँह इसका बाहर बाहर रखना है, दो हुक से खेल रहेगा कुछ इस तरह से। अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ बीच में गाड़ते देंगे ताकि ये दूर दूर हो जाए। ठीक है, आरिफ भाई ने बना के दिए थे, हालांकि मुझे भी आता बनाना लेकिन इजी पड़ता है, ले लेना, बनाने का टाइम नहीं मिलता ना उतना। इसका फ्लोट एडजस्टमेंट वाला है जैसा मैं हमेशा से बताता हूँ। पानी का मौसम मर रहा है, उससे पहले मच्छी लग जाए वीडियो बन जाए अपना। ये दो ऐसा करके टाइट रखने के लिए, उसमें वेट इतना बांधना कि फ्लोट खड़ा होना चाहिए। मछली यहाँ भी आएगा, ये देखो इसमें आराम से मुंह घुसती है उसका। ये थोड़ा टाइट हो गया, इसको नरम करता हूँ बाइट को। चलो शुरू करते हैं। ये हो गया बाइट। मछली इतनी जमा हुई है, चलो झोला लेके वहाँ मार लेते हैं पहले, उसके बाद थोड़ा और डेट होने देते हैं। बाप रे, मैटर ये नहीं करता कि छोटा पकड़े या बड़ा पकड़े, आपने रोहू पकड़ लिया ना, मैटर ये करता कि रोहू पकड़े आपने तो उसकी जो चाल रहती है वो पहचानना रहता है। तो सेम बड़ा जैसा छोटा वैसे ही खाता है, क्योंकि वहाँ पे बारीक मछलियाँ छोटी मछलियाँ खा रही है, उसके बीच में रोहू खा रही है आके, तो वो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अब फ्लोट का एक्शन बताना है तो छोटे छोटे भी पकड़ते हैं अपन। चलो वो जगह पे देखेंगे, हो सकता है उधर बड़ा बड़ा लग जाए। बारीक कितना सारी है, उसके बीच में आके रोका है। अरे ये क्या था, खाया रहू का जैसा, ये पूरा चालता रहू का, क्योंकि चाट रहे वो, भरने रहे गोल, चूसने रहे बड़ा ना, मच्छी आई हुई। बस ना यार, कितना डरा हुआ, क्लियर दे।
दिख रही घूमते हुए मछली। यार मीटर समझ में नहीं आ रहा, जब करके तो लोग परेशान है यार, जब करके लोग परेशान है, मछली दिख रही लग नहीं रही। आज मेरे साथ ही सेम गेम हो रहा, हालांकि ऐसा होता नहीं। उसको सिर्फ आटा ही संभाल करके देखता हूँ क्योंकि बहुत खराब गए इधर से। फिशिंग में एक्सपेरिमेंट जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी। खाना नहीं चाह रही, खाएगी तो बारिश क्या आ रही है। और लास्ट एक्सपेरिमेंट, कोंडे को गीला करके नीचे देना पड़ेगा। ऊपर ऊपर घूम रही मछलियाँ, नीचे के लेवल में बारीक मछलियाँ बहुत आ गई। कोंडा अपन नीचे बेस में बैठाएंगे। तो अपने को अब है ना साइज नहीं देखना है, देखना कि किस तरह खाती है। देखो नहीं बोलो ना, पहले मेरा मिस्टेक कुछ ना कुछ हो रहा है। देखो दोस्तों, अभी अपने को ये नहीं देखना है कि साइज क्या लग रहे, अपने को ये देखना है रोव कैसे लग रहे, फ्लोट कैसी चाल हो रही है। बड़ी बड़ी साइज है ये देखो, साइज मत देखो मेटर, ये देखो कि रोह पकड़ रहे हो, दो गल रहे। तो देखो एक मुंह का निकल गया, लेकिन इसमें हटका है किस तरह से। मीटर ये नहीं, मैं बोला ना साइज मत देखो, रोह खा रही कैसा कैसा लेके जा रही, ये देखो। मार रहा हूँ किधर उछले किधर से भाग, थोड़ा गहराई बढ़ा के देखता हूँ। मैं सिंगल होकर लगा, सिंगल होकर कोई चुटकी में खत्म कर देते यार।
बहुत त्रास दे दे के मच्छर लग रही है आज। मेमोरी एक्चुअली फुल हो चुका है। वो जाते जाते मुए थी एक बार दारू उसमें मर गए जिन्हें पूर के मर गए मुझे मत तेज उसकी जमीन पर आराम आराम मैं बच्चों पहले एक धाड़ी है ना मच्छी यहाँ जमा हो चुकी है। तो जो ऊपर का कोंडा बहते जाए ना आइस पॉलिश आज खेलेंगे टिक्की। कल का बचा हुआ बाइट है एक दिन का। इसमें खट्टापन भी आ गया होगा। अच्छा सेंट आएगा इसका। लाओ डीमार्ट की थैली दो। एक लगी टिक्की से। रिटर्न निकालने से ये देखो गल कैसा निकल जाता है। इसके लिए रिटर्न निकाल दिया जाता। तकलीफ नहीं होनी चाहिए। छोटे रहोगे जाली लाना भूल गए। मच्छी बाहर आ जाए डालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। थोड़ा जाली मंगाया नवा से गैलेक्सी से। मच्छी अब इसमें कर देते अपन। अब साबिर भाई लकड़ी लाने और गए क्या?
तो उसको अंगार के ऊपर डालना था ना, अंगार पे डाल दिए, ऊपर लकड़ा डाल दी कलीम भाई। अच्छा बीच में, बीच में मच्छी कर दी, लेकिन अंगार ज्यादा नीचे होना था, नीचे अंगार होता। लकड़ी का बहुत होना था यार, लकड़ी का पूरा अंगार होना था। अरे होती ना, खाना ना होना है। जल्द जल्द वो भी डाल दो ना सब ऊपर, जितना है सब डाल दो ऊपर, पन्नी मत डालो, बांस मारेगी वो। हो गया जुबर में 10 मिनट हो रहा, 10 मिनट पर भाईजान, सिर्फ 10 मिनट हो रहा अपनी। पहले है ना साइड कर लो, इधर ही रहने दो, इधर रहने एक साइड में, अंदर एक साइड, लकड़ी ना एक लाइन से रहने दो, नहीं पकी होंगी ना तो इसके ऊपर रख दो। पेट साफ करे थे चैनल के साथ, बुरी खतरनाक हो गई। पहले देखो पका है कि नहीं, पका तो नहीं, पका तो खा जाएंगे। मनु तो सर को जैसा था बैठने भी जगह नहीं है, जम गया। कुछ भी नहीं डाले थे इसमें, ना नमक ना कोई चटनी ना कुछ। अरे चटनी है कि लो फुरान भाई, तो नमक रहे ना, मजा आ जा रहा। गाड़ी दूसरी चालू जा रही है। हाँ कैसा जो बड़ा एक नंबर चटनी के साथ में अच्छा लग रहा है। एक फरहान भाई ने निकाले एक और, फटाफट लगाओ तुम, निकालो। फरहान भाई पकड़ के जा रहे और अभी हो गया जगह तक तेरी कहते हैं।